मैं बंटू शर्मा यूट्यूब के माध्यम से यह जो पौधा देख रहे हैं इसे जख्मे हयात पत्थर चट्टा के नाम से जाना जाता है। यह बड़ी पत्थर चट्टा है, इसके बगल में छोटी पत्थर चट्टा लगी हुई है। इसे जख्मे हयात इसलिए कहा गया है, ये जख्मों को तुरंत भर देती है। अगर कहीं कट जाए तो खून ना रुक रही हो तो इसके पत्ते को अगर लेप कर दिया जाए तो यह खून का बहना रोक देती है। जिनके बाल तोड़ हो गए हैं और वो बहुत दर्दनाशक होता है जब होता है जिसको भी, तो इसके पत्तों का लेप करके पुल्टिस बांध दिया जाए तो बाल तोड़ के कील को निकाल देती है। जिन बच्चों को दांत उगने में तकलीफ होती है, जैसे कि बहुत तरह की तकलीफें होती है, तो इसके जड़ों को धारण करवा दे लाल धागे में देकर, तो बच्चों के दांतों का उगना आराम से हो जाता है और कोई तकलीफ भी नहीं होता। यह प्रमाणित है, यह इसकी पहचान है और इसका नाम पत्थर चट्टा इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके पौधे आराम से उग जाते हैं, आसानी से उग जाते हैं। इसके पत्तों को आप कहीं भी ज़मीन पर रख दें, इसके पत्तों से ही पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए इसे पत्थर चट्टा भी कहा गया है। लोग इसके पथरी पर उपयोग करते हैं पर पथरी में तो कुछ कम लाभ दिए हैं, बवासीर में ये बहुत लाभकारी है। बवासीर में इसके रस को पीजिए, आपके कोई भी बवासीर हो, खूनी हो, वादी हो, सभी को यह नष्ट कर देता है। यह प्रमाणित है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। धन्यवाद।